हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पांडवा निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल 2022 पांडवा एकादशी 11 जून को है और इस उपलक्ष में, पांडवा एकादशी के उपलक्ष में, मैं आज आपको तीन चीज़ बताने जा रहा हूँ। पांडवा एकादशी क्यों मनाते हैं, पांडवा एकादशी कैसे मनाते हैं और पांडवा एकादशी को मनाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तीन फायदे। तो पहला चीज़ है कि पांडवा एकादशी ये जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ये पांडवा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस पांडवा एकादशी के जो गुण हैं या पांडवा एकादशी को करने से जो फल प्राप्त होता है, सभी एकादशी को करने का जो फल है उसके बराबर है। तो कहानी आती है ब्रह्मवर्त पुराण में, जिसमें वर्णन है भीम जो कि व्यास देव से पूछते हैं कि हे व्यास देव, हमारे जितने भी भाई हैं, जैसे उनके चार भाई हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी बहुत ही अच्छे से एकादशी का पालन करते हैं, साथ उनकी पत्नी द्रौपदी भी, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है कि एक भी एकादशी वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो खुदा है, उनका जो छुदा है, उनके पेट में इतना जोर से जलता है जठराग्नि कि ऐसा लगता है जैसे कि पूरे के पूरे संसार को भी अगर उनके पेट में डाल दे तो उसको जला के राख कर दे। तो वो कोई भी एकादशी नहीं कर पाते। लेकिन एकादशी के महत्व में वर्णन किया गया, जो व्यक्ति एकादशी नहीं करता है उस व्यक्ति का अनंत काल तक नरक में वास होता है। तो इसको देख के, इसको सुन के भीम तो काफ़ी चिंतित थे। तो वो पूछते हैं व्यासदेव से कि हे व्यासदेव, क्या मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं एकादशी करने का जो फल है उसको प्राप्त कर सकूं। एकादशी करने का फल यही है, सभी एकादशी के जो फल होते हैं लगभग यही होते हैं कि सारे के सारे पापों को ये नाश कर सकती है एकादशी, अगर कोई व्यक्ति एकादशी करता है अच्छे से। और भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाने के लिए वह व्यक्ति एबल हो जाता है, लायक हो जाता है एकादशी करने से। तो भीम काफ़ी भय में थे कि क्या मैं भगवत धाम को लौट नहीं पाऊँगा, अब मेरे इतने सारे पाप भी किए हैं, क्या उससे मैं मुक्त नहीं हो पाऊँगा। तो व्यासदेव भीम को बोलते हैं कि भीम, ऐसे तो 2400 एकादशी करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एकादशी के बारे में बता रहा हूँ जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में होती है। तो उस एकादशी को अगर आप करेंगे तो आपके जितने भी एकादशी, जो 24, 23 एकादशी हैं, उसको करने का आपको फल मिलेगा। तो ये इसलिए इसे पांडवा एकादशी भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से भीम इस एकादशी में पूरा फास्ट करते हैं, है कि नहीं? जब भीम फास्ट रख सकता है तो हम लोग तो फास्ट अवश्य रख सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इसे पांडवा एकादशी कहा जाता है। और ये पांडवा एकादशी सभी इस्कॉन के भक्त अच्छे से इसका पालन करते हैं, भले ही अन्य एकादशी में हम लोग अन्य लिए हों या फिर ऊपर नीचे हो ही जाता है, लेकिन इस एकादशी में निर्जला रखा जाता है, जिसमें जल भी नहीं पीते हैं। दूसरी बात आती है कैसे रखा जाए इस एकादशी को। तो इस एकादशी के लिए हमें सुबह सुबह जल्दी से उठना चाहिए, सुबह उठ के स्नान करना चाहिए, नित्य कार्य करने, नित्य क्रिया करने के बाद हमें बिना पानी पिए हुए ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चर्चा, भगवान के नाम का जप और संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। और पूरा का पूरा दिन हमें चाहिए कि हम जगे रहें और भगवान के निहित कार्यों में अपने आप को संलग्न करें, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, जप करें, भगवान के बारे में लीलाओं को सुने। तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा दिन भगवान से संबंधित कार्यों को करके हम लोग बिता सकते हैं। और बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आचमन भी करता है आज के पांडवा एकादशी के दिन, तो आचमन में उतना ही पानी लेना चाहिए जितना पानी में एक सरसों का दाना डूब सके, उससे ज़्यादा नहीं, अन्यथा उसका जो एकादशी है वो सफल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से एकादशी करनी चाहिए। और अगले दिन द्वादशी के दिन हमें पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को सत्कार करना चाहिए, वैष्णवों को कुछ वैष्णव भोज करना चाहिए, और उसके बाद हमें पारण करनी चाहिए। पारण के समय में, जैसे जो समय निर्धारित होता है पारण का, 4:53 से जैसे 9:10 इस साल का जो समय है उसमें हमें पारण करना चाहिए। और एकादशी करने के अनेक गुण हैं, अनेक गुण हैं। ऐसे सभी एकादशी का यह गुण है कि सारे पापों को यह नाश कर देता है। और इस एकादशी का यह गुण है कि जितने भी सारे
जो क्वालिटी या गुण है अन्य एकादशी में, सभी एकादशी के गुण को यह एकादशी धारण रखती है, और जो व्यक्ति इस एकादशी को करते हैं उसको सारे के सारे क्रेडिट 23 एकादशी को मिल जाते हैं, और वो व्यक्ति सभी पापों से नाश मुक्त हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी अन्य धन धान्य संपद बल प्रसिद्धि सब कुछ उस व्यक्ति के पास आ जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अति प्रिय होता है, और इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति करता है। तो इसलिए यह पांडवा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए, और श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा इसको या फिर सभी एकादशी को करने के लिए महत्व दिया करते थे कि इस्कॉन के भक्त या फिर गौड़िया भक्त, सभी गौड़िया भक्त सभी एकादशी को अच्छे से करें, और कम से कम पांडवा एकादशी को बहुत अच्छे से करें। हरे कृष्णा।